सो ही गाइस, क्रिकेट बच्चे रहे तो सीजन 9 आज से शुरू होने वाला है और इस वीडियो में हम तीसरे मैच की बात करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले ही एक वीडियो में बता रखा है जो कि तीसरे मैच के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम इनके स्टैंडिंग्स और गेम प्लान और गेम चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि वीडियो बहुत ही मोस्ट होने वाली है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं दोनों मैचेस के बारे में बता रखा हूँ, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, क्या गेम प्लान हो सकता है टीम का, जो कि जयपुर विद्या और यूपी योद्धा के बीच तीसरा मैच खेला जाने वाला है। वहीं पर जयपुर विद्या के स्टार्टिंग सेवन पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सेवन में अर्जुन देसवाल, राहुल चौधरी, वी अजीत कुमार, सुनील कुमार, दीपक सिंह, साहुल कुमार और उसके बाद अंकुश हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके तीन मेन रेडर हमें देखने को मिल जाते हैं, अर्जुन देसवाल, राहुल चौधरी और वी अजीत कुमार। जो कि राहुल चौधरी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला था सीनियर कबड्डी में, जो कि सीनियर कबड्डी पिछले महीने ही देखने को मिला था और इसमें राहुल चौधरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्या इस सीजन मतलब इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर बात करें अगर स्टार्टिंग सेवन यूपी योद्धा की टीम का, तो यहाँ पर प्रदीप नरवाल, सुरेंदर, उसके बाद नितिन तोमर और आशुतोष सिंह और शुभम, यहाँ पर नीतीश कुमार, सुमित सागवान, जो कि सुमित सागवान और नीतीश की जोड़ी होने वाली है, जो कि बहुत ही खतरनाक जोड़ी है। तो कॉर्नर पर एक खिलाड़ी हमें देखने को मिल जाते हैं। और रेडर की बात करें तो मेन रेडर हमें देखने को यहाँ पर प्रदीप और सुरेंद्र और नितिन तोमर की जगह पर दुर्गेश नेथाल देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक वो भी रेडर हैं। अब गेम प्लान की बात करते हैं, तो क्या गेम प्लान हो सकता है, जो कि यूपी योद्धा का गेम प्लान तो हो सकता है कि ज़्यादा रेड करें इनके रेडर्स और ज़्यादा पॉइंट लाएँ, जो कि डिफेंस में उतना मतलब कवर का डिफेंड उतना मतलब मजबूत हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर चाहे कि टीम जो कि इनके पास एक्स्ट्रा रेडर बैकअप रेडर हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रेड करे यूपी योद्धा की टीम और पॉइंट्स लाए, जो कि और यूपी योद्धा के डिफेंस भी चाहेगी कि हम ज़्यादा डिफेंस करें और रेडर को अपने मैट पर रखें, ज़्यादातर मतलब बेंच पर ना जाने दे। तो यही गेम प्लान हो सकता है, यही गेम प्लान देखने को मिल सकता है, जो कि इस गेम प्लान से अगर खेलती है जयपुर मतलब यूपी योद्धा की टीम, तो यूपी योद्धा टीम इस मैच को जीत सकती है। वहीं पर अगर गेम प्लान जयपुर योद्धा की टीम की देखा जाए, तो जयपुर योद्धा के पास भी तीन रेडर मेन हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वी अजीत कुमार, उसके बाद राहुल चौधरी और अर्जुन देसवाल, जो कि अर्जुन देसवाल बहुत ही खतरनाक रेडर हैं और पिछले सीजन जो कि गेम प्लान यही होगा, जो कि इनके पास डिफेंस में उतना मजबूती हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रेडर्स पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो ज़्यादा पॉइंट लाए और मैच को विन कराएं। तो ये गेम प्लान होगा कि मतलब डिफेंस इनको भी अपने मैट पर रखें और बेंच पर ना जाने दें और ज़्यादा रेड करें। वहीं पर गेम चेंजेस की बात करें, तो कौन से प्लेयर जिता सकते हैं इस मैच को, तो प्रदीप नरवाल यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रदीप नरवाल पिछले सीजन इंजरी के कारण मैच उतना नहीं खेल पाते और अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते, लेकिन इस सीजन इंजरी से मतलब उतना नहीं है और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इस मैच को जिता सकते हैं यूपी योद्धा की टीम की। वहीं पर अगर पोल की बात की जाए, तो ओट की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी योद्धा के 66% ओट मिला था और जयपुर योद्धा को 34% ओट मिला था सभी फैंस के द्वारा, जो कि यह कौन सी टीम जीत सकती है यह मैच, तो यहाँ पर आपने सभी ने बताया था। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।